फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि केस आपने कोई भी जमीनी विवाद है या किसी भी तरीके का विवाद है जो कोर्ट में आप सिविल विवाद दायर कर लिए, केस डालने के बाद पूरा केस चलता है और डिग्री आपके फेवर में आ जाता है, जजमेंट आपके फेवर में हो जाता है। जजमेंट आपके फेवर में होने के बाद भी जो रिलीफ आप कोर्ट से मांगे थे, रिलीफ मिल गया, डिग्री हो गया, उसके बाद भी जिस व्यक्ति के खिलाफ में जजमेंट हुआ है, डिग्री हुआ है, वो व्यक्ति इस चीज को मानता नहीं है। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी का, जमीन का कब्जा आपको वापस लाना है, कब्जा जो है किसी व्यक्ति ने आपके जमीन पे जबरन कर लिया है, वो दबंग टाइप का व्यक्ति है, पूरे गुंडा टाइप का व्यक्ति है, वो जो है आपके जमीन पे जबरदस्ती कब्जा किया हुआ बैठा है और आप इसके लिए कोर्ट में सूट फाइल किए। कोर्ट में सूट फाइल करने के बाद पूरा केस चला, डिग्री आपके फेवर में हो गया, कोर्ट आपके मैटर को सुना और डिग्री आपके फेवर में दे दिया, जजमेंट आपके फेवर में दे दिया, लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति खाली नहीं करता है प्रॉपर्टी। तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कानून ने क्या रेमेडी के लिए क्या उपाय दिए हैं आपको कि आप उस कानून का प्रयोग करके आप वो जो डिग्री आपके फेवर में हुआ है और जो रिलीफ आपको मिला है वो रिलीफ आप पुनः ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या समाधान है इसका, इसी टॉपिक पे आज मैं डिस्कस करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कोर्ट में जब सिविल मुकदमा चलता है तो सिविल मुकदमा बहुत दिनों तक चलता है, बहुत दिनों तक चलने के बाद व्यक्ति परेशान हो जाते हैं, जो मुकदमा डाले रहते हैं, जो प्लेंटिफ रहता है, वादी रहता है, वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद यदि डिग्री उसके फेवर में हो जाता है तो उनकी संतुष्टि मिलता है कि नहीं, मेरे फेवर में डिग्री हो गया है, अब जिस चीज के, जिस रिलीफ के लिए हमने मुकदमा डाला था कि ये रिलीफ मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिल गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डिग्री तो हो जाता है, इसे एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूं कि मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी का कब्जा किसी दूसरे व्यक्ति ने कर लिया, प्रॉपर्टी का कब्जा होने के बाद आपने केस फाइल किए कि नहीं, मेरे प्रॉपर्टी पे इसने कब्जा कर लिया है, कब्जा मुझे वापस दिलाया जाए। कोर्ट में मैटर चला, कोर्ट ने सभी तथ्यों को देखा, उसके बाद जो है आपके फेवर में डिग्री दे दिया। डिग्री देने के बाद आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं, बोलते हैं कि ये डिग्री मुझे कोर्ट से मिल गया, मेरा कब्जा दे दो। उसने आपको कब्जा नहीं देता है। उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होता है कि आप प्रशासन के पास जाते हैं। प्रशासन में थाने लेवल से लेके, यानी थाना में पहले जाते हैं, फिर आप सीओ के पास हो सकता है जाएं, फिर उसके बाद डीएम के पास जाएं, एसपी के पास जाएं, एसडीएम के पास जाएं, जहां होता है आप जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो है दबंग टाइप के हैं, गुंडा है, वो व्यक्ति जो है प्रशासन को चाहे जिस रूप से वो कन्विंस कर लिए हैं, जिसके कारण से प्रशासन आपके बातों को नहीं सुनता है, उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि आप लोग यदि प्रशासन के पास जाते हैं तो वो तो मैं समझता हूं गलत है, क्योंकि प्रशासन ऐसे नहीं सुनेगा जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं होगा। तो आपको जब ही डिग्री मिल जाए, डिग्री लेने के बाद जिस पार्टी के खिलाफ डिग्री हुआ है उस पार्टी के पास जाए, उसको बोले कि भाई मुझे ये रिलीफ मिला है, मुझे ये कब्जा अब वापस दे दे तू जमीन का। यदि वो देता है तो ठीक है, यदि नहीं देता है तो आप सीधा एग्जीक्यूशन का एप्लीकेशन, पेटिशन जो है वो पेटिशन कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जहां से डिग्री हुआ था उस कोर्ट में फाइल करें। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि आप उस केस को, जो डिग्री हुआ है, उसको निष्पादित करने के लिए, निपटारा करने के लिए आप कोर्ट में मुकदमा फाइल करेंगे, पेटिशन फाइल करेंगे। कोर्ट में जो पेटिशन फाइल करेंगे, जो आपको डिग्री मिला हुआ है वो डिग्री का सर्टिफाइड कॉपी के साथ वो पेटिशन का कॉपी अटैच करके आप उसको कोर्ट में किसी वकील साहब के माध्यम से फाइल करेंगे। पेटिशन देखने के बाद जज साहब जो है पार्टी को नोटिस इशू करेगा, पार्टी डेट पे आएगा, पार्टी को बताया जाएगा और आपके फेवर में ऑर्डर दे दिया जाएगा। उस ऑर्डर को लेके आप पुलिस वाले के पास जाएंगे, पुलिस वाले जो है वो ऑर्डर देखने के बाद दौड़ता हुआ वो उस पार्टी के पास जाएगा, बोलेगा इसका कब्जा खाली करो और इस तरीके से आपका जमीन जो है पुनः आपके पास आ जाएगा। मान लीजिए कोई रिकवरी सूट है पैसे का, पैसे नहीं दे रहा है, उसका भी एग्जीक्यूशन आप कर सकते हैं, उसके प्रॉपर्टी को कुर्की करवाने के लिए। यदि वो हो जाता है फिर व्यक्ति खुद ही पैसा दे देगा। तो कहने का मतलब है
कि आप यदि कोई सिविल सूट चलाते हैं, सिविल सूट चलाने के बाद यदि आपने जमीन का मुद्दा लिया या किसी भी चीज का, जो रिलीफ आपको मिला हुआ है उस रिलीफ के लिए यदि व्यक्ति आपके खिलाफ डिग्री हो गया फिर भी अपोजिट पार्टी इस चीज को नहीं समझता है, प्रशासन आपका मदद नहीं करता है, तो आप सीधे कोर्ट में एग्जीक्यूशन का आप पिटीशन फाइल करें और उसके बाद अपना रिलीफ ले सकते हैं। इसका प्रोविजन जो है सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड जो है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर दीवानी कानून जो है, उसके ऑर्डर 21 और सेक्शन 36 में इसका प्रोविजन दिया गया है। ऑर्डर 31 और सेक्शन 36 में इसका प्रोविजन है कि आप एग्जीक्यूशन का एप्लीकेशन फाइल करके अपने रिलीफ को पा सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि आपको इस मुकदमे में, इस पेटीशन डालने में, इस मुकदमे में जितना खर्च हुआ है उस खर्चे का यदि आप रिकवरी चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको सीपीसी के धारा 35 के अंतर्गत, सेक्शन 35 ऑफ सीपीसी के अंतर्गत आपको एक पेटीशन कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। कोर्ट को बताना पड़ेगा कि इस मुकदमे में मुझे इतने एक्सपेंस हुआ है, मुझे ये एक्सपेंस इसे चाहिए, मैं इसे रिकवरी करना चाहता हूं। कोर्ट सभी चीजों को देखेगा, सभी तथ्यों को देखेगा, फैक्ट को देखेगा, उसके बाद कोर्ट को जो सही लगेगा कोर्ट आपके फेवर में वो डिसीजन देके और फिर आपको वो पैसा भी रिकवरी करा सकता है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किसी भी जमीनी विवाद को या कोई भी सिविल सूट हो, सिविल सूट यदि आप कोर्ट में फाइल करते हैं जो रिलीफ चाहते हैं, मैं यहां उदाहरण के लिए आपको जमीन का मुद्दा बताया कि किसी जमीन पे आपका कब्जा नहीं है, चूंकि जमीन आपका है लेकिन किसी दबंग व्यक्ति ने आपके जमीन पे कब्जा कर लिया है, जिसके लिए आपने कोर्ट में मुकदमा डाला था। मुकदमा डालने के बाद कोर्ट के द्वारा डिक्री जजमेंट आपके फेवर में हो गया। जजमेंट डिक्री होने के बाद भी वह व्यक्ति आपको कब्जा नहीं दे रहा है, चूंकि वो दबंग टाइप के व्यक्ति है। प्रशासन को आप जाके बोलते हैं, प्रशासन भी आपके बातों को नहीं सुनता है। उस स्थिति में आपको सिंपल एक ही चीज करना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया है, ऑर्डर 21 रूल सॉरी सेक्शन 35 के अंतर्गत, ऑर्डर 21 सेक्शन 35 सीपीसी के अंतर्गत आप कोर्ट में एग्जीक्यूशन का पिटीशन फाइल करेंगे। ऑर्डर 21 सेक्शन 36 के अंतर्गत, सॉरी ऑर्डर 21 सेक्शन 36, मैंने अभी 35 बताया, 35 के अंतर्गत पैसे की रिकवरी के लिए होता है। ऑर्डर 21 36 के अंतर्गत आप कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। कोर्ट में पिटीशन फाइल करने के लिए आपको पिटीशन की कॉपी और जो डिग्री मिला हुआ है उसकी सर्टिफाइड कॉपी के साथ आप जाएंगे। कोर्ट जो है उसको देखने के बाद ऑर्डर करेगी, ऑर्डर करने आपके फेवर में ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर कॉपी पुलिस को आप दीजिए, पुलिस वाले आपको तुरंत उस प्रॉपर्टी का कब्जा फिर दिलाएंगे। अच्छा, पुलिस वाले का कुछ एक्सपेंस होता है जो आपको देना पड़ता है, वो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इतना एक्सपेंस आप इसको दे दें, खर्चे दे दें, उनके कुछ खर्चे होते हैं, ठीक है। और जो भी खर्चे हुआ आपका, उस खर्चे के लिए आप जो है 35 जो सीपीसी का सेक्शन है, उस 35 सेक्शन के अंतर्गत धारा 35 के अंतर्गत आप खर्चे की रिकवरी के लिए आप जो भी मुकदमा में खर्चा हुआ है, जिस टाइप के खर्चे हैं, वो वकील का खर्चा हो, पेटी से कागज का खर्चा हो, या किसी प्रशासन को दिए वो खर्चा हो, जो भी खर्चे हैं उस खर्चे के लिए आप रिकवरी के लिए धारा 35 सीपीसी के अंतर्गत आप मुकदमा पेटिशन फाइल कीजिए, आपको खर्चे का भी रिकवरी हो जाएगा। तो याद रहे, डिग्री हो गया है और कब्जा नहीं मिला है तो इस चीज के लिए रिलीफ नहीं मिला है तो इसके लिए एग्जीक्यूशन पेटिशन आप ऑर्डर 21 और सेक्शन 36 के सीपीसी के अंतर्गत आप पिटीशन फाइल करेंगे और इसमें जितने भी खर्चे हुए उस खर्चे को प्राप्त करने के लिए आप सेक्शन 35 के अंतर्गत पिटीशन फाइल करेंगे, आपको दोनों रिलीफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है अब आप लोगों को जानकारी मिल गया होगा सभी तथ्यों के बारे में। फिर भी यदि आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार के कानून से संबंधित कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी लीगल टॉपिक पे, चाहे वो सिविल से रिलेटेड हो, क्रिमिनल से रिलेटेड हो, टैक्सेशन से रिलेटेड हो, किसी भी टॉपिक पे यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर शो करेगा, आप कॉल बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं, वो चार्जेबल होगा। या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके आप डीएम कर सकते हैं या फिर कॉमेंट में कॉमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए